इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। देखो, मास को कैलकुलेट करने के दो तरीके बताए हुए हैं, एक होता है इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास बेसिकली है क्या, द मास ऑफ द बॉडी विच मेजर्स द इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शियल मास। तो जो इनर्शिया मेजर करते हैं, मास मेजर, जो इनर्शिया मेजर करते हैं बॉडी का, इनर्शिया के अंदर बेसिकली क्या मेजरमेंट होती है, इट इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल तरीके से समझाता हूं, आप न्यूटन का लॉ पढ़ के आए हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर एक बॉडी का मास एम है और आप एफ फोर्स लगाते हैं तो वो ए एक्सेलरेशन जनरेट करती है। इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो वाई एक्सिस में होती है, हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर मास क्या होगा, अप्लाइड फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं बाय अप्लाइंग सेम फोर्स, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और अगर आप एक्सेलरेशन कम करना चाहते हैं तो मास, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा। भाई कम एक्सेलरेशन तो मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा है, तभी तो इनेबिलिटी है बॉडी की, वो मूव नहीं कर पा रही। पॉइंट क्लियर है? और अगर एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो मास बॉडी का कम रखना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन बहुत ही कम प्रोड्यूस ना मात्र करना चाहते हैं, मतलब बॉडी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रहा आपसे, समझ में आ रहा है, कीपिंग फोर्स कॉन्स्टेंट। तो अगर इस तरीके से मास को कैलकुलेट करें, उसका इनर्शियल मास है। और एक और मास है ग्रेविटेशनल मास, वो कैलकुलेट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, एम जी वाला जो वेट है, उसमें वेट को जी से डिवाइड कर दो तो जो मास आएगा वो ग्रेविटेशनल मास है। क्योंकि वेट को आपने किससे डिवाइड किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें इनर्शिया का कोई रोल है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का लेना देना है। क्वेश्चन आता है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास की रेशियो क्या होती है, भाई मास तो मास है, 2 किलो सेब लेके 2 किलो सेब ही रहेंगे, 4 किलो नहीं हो जाएंगे अगर आप ऐसे तोलोगे तो आंसर 1:1 ही है। मेथड डिफरेंट है मेजरमेंट का, डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन आंसर रेशियो में सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो ये मासेस की बात हो गई।